सो हेलो यार, क्या हाल है आप सबका। तो स्वागत है इस वाले वीडियो में। और इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आज स्कोर मैच के सुपर प्लेयर के बारे में। स्कोर मैच के सारे सुपर प्लेयर के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा एक एक चीज़, और आपको ये भी बताऊँगा कि आपको सुपर प्लेयर कहाँ से और कैसे मिल सकता है। ठीक है, तो देखते रहिए ये इस वीडियो को, लास्ट तक देखिएगा, आपको सारी बातें बताऊँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बुलडोजर की। तो बुलडोजर के पास शॉट है, ठीक है, शॉट पावर बुलडोजर के पास सबसे ज़्यादा है। और ये स्कोर मैच के हैमर की तरह बिहेव करता है। हैमर की तरह ही इसका हाइट भी है और हैमर की तरह ही इसका शॉट पावर भी है। बस हैमर से इसका थोड़ा स्पीड और रिस्पांस दोनों चीज़ ज़्यादा है, तो इस वजह से ये हैमर से ज़्यादा एडवांटेज प्रदान करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यार थंडर की। थंडर इसको जूनियर भी कहते हैं, ठीक है, तो इसके पास भी शॉट है। और ये थंडर भी सेम टू सेम हैमर की तरह ही बिहेव करता है। इसके पास भी शॉट पावर है, हेडर है, और बुलडोजर की तरह ही इसके पास भी थोड़ा हैमर की तुलना में स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, और इसको सबसे अच्छा इसका पोजीशन है इसको खिलाने का स्ट्राइक से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मार्क्समैन। तो इसके पास शॉट पावर है और पास है, ठीक है, इसके पास शॉट पावर है, पास है, और स्पीड भी अच्छी खासी है, स्किल भी है और रिस्पॉन्स भी है। ठीक है, और ये जो प्लेयर है ना, इसको आउटसाइड से खिलाया जाता है और ये आउटसाइड से बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करता है, क्योंकि इसके पास लगभग सारा चीज़ है, स्पीड है, हाइट है, शॉट पावर है, स्ट्रेंथ है, और रिस्पॉन्स भी अच्छी खासी है। अब बात करते हैं एक ऐसे प्लेयर के बारे में जिसके बारे में बताने के लिए मैं बहुत ही बेताब हूँ। मैं बात कर रहा हूँ हीरो की। हीरो ये जो प्लेयर है ना, ये हमारे स्कोर मैच के गांठ गांठ की तरह ही बिहेव करता है। ठीक है, सेम टू सेम गांठ की तरह बिहेव करता है, बल्कि गांठ से ज़्यादा एडवांटेज प्रदान करता है। इसके पास पास है, स्पीड है, हाइट भी अच्छी खासी है, स्ट्रेंथ भी है, शॉर्ट पावर भी है, स्किल भी है। आप देख सकते हो 26 का स्किल, और रिस्पॉन्स तो भाई सबसे बढ़िया है, 34 का रिस्पॉन्स है। और इसको मैं खिला रहा हूँ मिडफील्डर से, क्योंकि ये जो प्लेयर है हीरो, ये मिडफील्डर से बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। खैर यार, हीरो तो हीरो ही होता है, इसके बायो में भी आप देख सकते हो लिखा हुआ है ए ट्रू लीडर। अब यार देखो, जहाँ कहीं भी हीरो होता है, मतलब जहाँ कहीं भी एक हीरो होता है, वहाँ एक विलेन भी ज़रूर होता है। तो हमारे स्कोर मैच में भी एक प्लेयर को दिया गया है जो विलेन की भूमिका निभाता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं विलेन की। तो विलेन हीरो के परफॉर्मेंस से थोड़ा अलग परफॉर्मेंस करता है। जहाँ हीरो के पास पास था, तो विलेन के पास शॉर्ट पावर दिया गया है। ठीक है, इसके पास शॉर्ट पावर बहुत ज़्यादा है और ये एक ऑलराउंडर की तरह खेलता है। देख सकते हो इसके बायो में लिखा हुआ है ए ट्रू ऑलराउंडर। इसके पास भी स्पीड है, हाइट है, स्ट्रेंथ है, शॉर्ट पावर है, स्किल है, और रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छी खासी है, और इसका अटैकिंग और मार्किंग दोनों है। ठीक है, तो इसको भी मैं हीरो की तरह ही मिडफील्डर में खिला रहा हूँ। मतलब मैं हीरो और विलेन दोनों को मिडफील्डर में खिला रहा हूँ, और दोनों ही मिडफील्डर से बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। अब हीरो और विलेन के बाद एक ऐसा प्लेयर होता है जो ना तो हीरो होता है और ना ही विलेन होता है, वो होता है जज। तो स्कोर मैच ने भी हमें एक प्लेयर जज के रूप में दिया है, तो चलिए बात कर लेते हैं जज के परफॉर्मेंस के बारे में। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, जज का काम होता है डिसीजन लेना। तो स्कोर मैच का जो प्लेयर है जज, जिसको ब्राउन नाम से बुलाया जाता है, वो भी एकदम बहुत ही बढ़िया डिसीजन मेकिंग का काम करता है। ठीक है, इसका प्रोफाइल आप देख सकते हो, लिखा हुआ है द डू इट ऑल प्लेयर विथ नो वीकनेस एंड नो इक्वल। मतलब इसके को जैसा कोई इक्वल नहीं है और इसका कोई वीकनेस भी नहीं है। तो यार, हमने देखा था हीरो के पास पास था और विलियन के पास शॉट था, पर जज के पास आप देख सकते हो शॉट भी है और पास भी है। मतलब शॉट और पास दोनों हैं, और प्लेयर बिहेवियर के राइट साइड में आप देख सकते हो, एक साइड में ऊपर में लिखा हुआ है सेप और अटैकिंग, और नीचे लिखा हुआ है मार्किंग और रनिंग। तो मतलब देख सकते हो कि जज के पास सारा चीज़ है, दोनों में टिक लगा हुआ है, तो जज के पास दोनों ही है। वो बाकी इनका स्पीड, हाइट और रेस्पॉन्स जज और विलेन की तरह ही है। आठ अपग्रेड में सबका स्पीड सब सेम ही चलता है। ठीक है, तो चलो यार, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपको सुपर प्लेयर कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो पहला तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पूरे के पूरे तीन तरीके हैं सुपर प्लेयर को हासिल करने का। तो पहला तरीका ये है कि आपको
सीजन पास एक्टिव करना होगा। ठीक है, यहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। देखो 490 रुपये में सीजन पास दे रहा है, तो यहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। अगर आप सीजन पास परचेस करते हैं तो लेफ्ट साइड के जितने भी बॉक्सेस हैं ना वो ओपन हो जाएंगे आपको, और वहाँ से आपको सुपर प्लेयर मिल जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे आप एक सुपर प्लेयर दिया हुआ है बर्टिनी। अगर आप इस सीजन पास को परचेस करते हैं तो आपको ये बर्टिनी सुपर प्लेयर के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से बाकी सुपर प्लेयर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और पहला तरीका मैंने आप लोगों को बताया सुपर प्लेयर पाने का। अब दूसरा और तीसरा तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बाकी सारे सुपर प्लेयर के बारे में भी बताऊंगा, जैसे लाइटनिंग हो गए, राइडर हो गए, मजिशियन हो गए, विजार्ड हो गए, वॉरियर हो गए। ठीक है, इन सब के बारे में भी बताऊँगा और उनका प्रोफाइल भी दिखाऊँगा। तो बस यार, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो ये वाला वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।